हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी जहां पे अभी हम पाइथन के वीडियोस पाइथन के ट्यूटोरियल्स को कवर कर रहे हैं अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था स्ट्रिंग्स इज समथिंग दैट वी आर कवरिंग एज ऑफ नाउ नाउ लेट्स फोकस ऑन स्ट्रिंग्स और उसके जो दो एक फंक्शंस होते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग उनके बारे में हम प्रैक्टिकली समझेंगे सो लेट्स मूव ओवर टू पाइचाम पाइचाम में जैसे मैंने अभी से ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बताया था इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी टेम्पलेट बना लिया है जहाँ पे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग रिलेटेड ऑपरेशन को समझेंगे अब इंडेक्सिंग क्या होती है लेट्स so, से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक टेक्स्ट है जिसको मैंने टुगेदर विद अभी बोला है और इसमें से इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है कि वो पॉइंट जो आपको लेना है राइट right? जैसे कि अगर आप ओ O चाहते हैं कि ओ प्रिंट हो जाए विद अभी का ये o, तो उसका इंडेक्स क्या है okay? That is called as indexing. Okay? तो यहां पे indexing क्या है? हम हमेशा जो जो इसका मानते मानते हैं, हैं उसका है कि कहां से हमें start करना है, वो हमेशा जीरो से होता है वी डोंट टेक इट एज वन इस टी का जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है उसका इंडेक्स जीरो होता है ओ जो सेकेंड है उसका इंडेक्स वन होगा ओके okay? अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं इसको लिखने का सिंपल तरीका है ए उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना होता है ओके सो वी आर गोइंग टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद जो भी आप इंडेक्स देंगे सो so यहाँ पे जैसे अगर मैं जीरो देता हूँ तो प्रिंट हो जाना चाहिए क्योंकि इंडेक्स जीरो पे क्या कैरेक्टर है टी कैरेक्टर है तो माई एक्सपेक्टेशन इज की टी प्रिंट हो जाएगा वो वैसा ही प्रिंट हो गया सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मान लीजिए फोर uh, प्रिंट करेंगे फोर डालते हैं तो क्या आ रहा है ये पी आ गया विच इज लाइक दैक्टर क्यों क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो वन टू थ्री फोर फोर टी यहाँ पे आता है अब एक जो इंपॉर्टेंट जो पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो होता है अगर मैंने लिखा माइनस वन इसका क्या मतलब है माइनस मतलब यहां से जब हम काउंट करते हैं तो हम प्लस मानते हैं जब हम एंड से काउंट करेंगे तो हम उसे माइनस बोलते हैं ओके सो माइनस वन मतलब आखिरी से लास्ट ओके दैट इज कॉल्ड एज माइनस वन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आई प्रिंट हो जाएगा एज यू कैन सी आई प्रिंट हो गया सिमिलरली अगर मैंने माइनस टू लिखा तो एच प्रिंट हो जाएगा सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज कि जब हम शुरू में शुरू से प्रिंट कर रहे हैं जब इंडेक्स हम शुरू से यूज कर रहे हैं तो हमारा जीरो होता है और आखिरी से जब हम करते हैं तो हम माइनस वन दिखते हैं हम -0 नहीं लिख सकते हैं माइनस जीरो करके कुछ होता नहीं है दैट इज इज इट फॉर यू टू रिमेंबर कि जैसा कुछ नहीं होता तो शुरू में जीरो से स्टार्ट होता है आखिरी में माइनस वन से होता है सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ लेट्स मूव ओवर टू स्लाइसिंग अब स्लाइसिंग क्या होता है कि मैं इस पूरे स्ट्रिंग लेट्स से दिस स्ट्रिंग इज टुगेदर विद अभी मुझे इसका एक स्लाइस चाहिए आई वॉन्ट दिस स्लाइस ओके मतलब उसके एक पार्ट को निकालना इज कॉल्ड ए स्लाइसिंग ओके वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि पाइथन के रिलेटेड प्रोग्राम्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनका मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताऊंगा अगेन इसको लिखने का तरीका कैसे है सिमिलरली जैसे हम इंडेक्स क्योंकि यहाँ पे भी हम इंडेक्सेस को यूज कर रहे हैं हम अगर मान लीजिए मैं टुगेदर करके स्लाइस चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर जीरो से लेके आठ एट इंडेक्स तक के जितनी भी वैल्यूज हैं जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाए सो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंडेक्स दैट्स वाई क्योंकि इंडेक्स में हम क्या यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे बट यहाँ पे तो अभी मैंने ये बोल दिया जीरो मतलब कि आई वॉन्ट असलाइज मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए इस स्ट्रिंग के अंदर से जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो पर कितने करेक्टर्स चाहिए मुझे इन टोटल एट करेक्टर्स चाहिए है. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कोलन यूज कर लेते हैं तो प्रिंट डी जीरो से स्टार्ट करते हुए एट करेक्टर्स इन टोटल तक मुझे चाहिए तो वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया टुगेदर ओके नाउ दिस इज वन वे ऑफ इट द अदर वे इज कि मैं चाहता हूं कि नॉट जीरो पर मैं बीच में से कहीं से स्टार्ट करूं ओके okay? तो मैं चाहता हूं फ्रॉम डब्ल्यू अगर मैं विद प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं डब्ल्यू से तो W का जो इंडेक्स है वो क्या है एट और वहां से मैं चाहता हूं कि इन टोटल चार करेक्टर और प्रिंट हो जाए सो इफ यू प्रिंट तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया कुछ भी प्रिंट नहीं किया इसने कोई एरर भी थ्रो नहीं करी बट इट डिड नॉट प्रिंट एनी ये जो प्रिंट कर रहा रेट टूगेदर स्पॉट दिस थिंग लेट्स से कि मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो भी आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला प्रिंट है वो वर्क नहीं कर रहा अभी ओके okay? थिंग विच गेट्स प्रिंटेड ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे मैं जो दर्स एट से लेके जो आपका एंड है सो द वे यू शुड इंटरप्रेटेड की जो आपका पहला इंडेक्स है प्लस जो आपका फाइनल इंडेक्स है नॉट द लेंथ बट जो आपका फाइनल इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देनी होती है अब नाउ लुक एट दिस अनदर वे ऑफ सीइंग दिस अभी तक हमने ये देखा था इस तरीके से अभी हम देखते हैं लेट्स से कि मुझे शुरू से लेके अब मेरे को ये जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेके जो एट कैरेक्टर्स हैं ओके okay? उसको मैं किस तरीके से दिखाऊंगा तो आई हियर तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या प्रिंट करेगा टुगेदर सो इट मीन कि आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं ये जो करेक्टर है तक जाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना है ना ठीक है जस्ट जिस तरीके से हम यहाँ पे माइनस वन करते थे तो क्या होता था आपकी इस डायरेक्शन से वर्क करता था इट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन राइट जीरो से करते थे तो इस डायरेक्शन से सिमिलरली जब हमने ये लिखा और ये एट तक गए तो हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ओके नाउ आई राइट कि एंड से लेके ओके? Okay? और माइनस फोर सो डू शुड बी राइट माइनस फोर इट राइट्स अभी तो एंड से लेके मतलब ये वाला सेमी कॉलन अब ये हो गया एंड हो गया और यहां से लेके माइनस फोर तक क्या आ रहा है वो आ गया अभी वट ओके okay. तो क्या होगा तो इसने क्या किया फोर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका दिस इज द इंडेक्स दिस इज द इंडेक्स फोर करेक्ट तो मैंने क्या बोला कि आखिरी से लेके फोर इंडेक्स तक सारे के सारे आप प्रिंट कर दो

यहाँ पे कह रहा है एर्थ इंडेक्स से लेके ट्वेल्थ इंडेक्स तक विच इज यहाँ कह रहा है कि शुरू बिल्कुल शुरू से लेके eighth index तक दे दो यहां पे कह रहा है आखिरी बिल्कुल जो भी आपका टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है वहां से लेके माइनस फोर ओके केवल यहां तक दे दो और ये कह रहा है कि आखिरी से लेके जो आपका फोर्थ इंडेक्स है वहां तक आप वैल्यूज दे दीजिए अबाउट so, स्लाइसिंग अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है you know, real life में आप इसको कब कैसे यूज करते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ती है सो आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई एक फाइल है ठीक है उस फाइल में आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई फाइल लिखते हैं इसको उसके एंड में एक कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर आ जाता है ठीक है अब जब आप उस फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन आप देखते हैं हर लाइन रीड करने में वो स्पेशल करेक्टर आखिरी में आ गया इट कुड बी स्लैश एम ओके जो कि न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है पर न्यू लाइन को आप प्रोसेसिंग में नहीं चाहते कि हम उसे यूज करें वो आपको नहीं चाहिए तो आप क्या चाहेंगे कि हर बार ये जो न्यू लाइन करेक्टर आ रहा है आपकी फाइल की हर लाइन के एंड में उसको आप खत्म कर दें तो उसको खत्म करने का तरीका क्या है आप क्या करें हर लाइन में ओके सो लेट्स से यू राइट प्रिंट लाइन अब यहाँ पे लाइन करके अभी कुछ है नहीं बट अगर आप कोई फाइल रीड कर रहे होते उसमें लूप करते और लाइन के अंदर उस डेटा को जो भी स्ट्रिंग है उसको यूज करते तो आप क्या लिख सकते थे कि आखिरी से लेके जो केवल लास्ट एक करेक्टर आ रहा है स्पेशल कैरेक्टर है उसको रिमूव करा दो ठीक है तो उसके लिए हम एक प्रिंट कर रहे हैं अभी यहाँ पे बट हम रिमूवल का एक फंक्शन लिखते या फिर बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है स्लाइस कर देते तो हम स्लाइस कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट वी कैन डू सो दीज आर लाइक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं उसमें स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है और स्लाइसिंग इज बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग प्लीज नोट अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज नॉट देंथ विच इट रिप्रेजेंट बट द इंडेक्स ये सब जो है वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं शुरू का इंडेक्स जीरो माना जाता है आखिरी जो होता है उसे हम माइनस वन ले के बोलते हैं यहाँ पे जब आप यूज कर रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स की जो शुरू में आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आपने इसको आखिरी में लगाया है तो इट रिप्रेजेंट द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ योर स्ट्रिंग आई होप इट इज क्लियर टू यू नाव इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट In the next video, we will study about other few operations like length and other built in functions uh, for strings in Python. Thanks for your time.